दोस्तों नमस्कार, मैं संगीता। डिलीशियस भोजन में स्वागत है आपका। आज हम गेहूं से बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त सा नाश्ता। तो ये हाफ कप गेहूं का आटा लिया है मैंने, गेहूं के आटे से बनाएंगे, मैंने गेहूं बोल दिया। और ये है 1/4 कप सूजी, यहीं पे डाल देंगे हम कुछ सामग्री। ये चाट मसाला लिया है 1/4 चम्मच है, और 1/4 चम्मच ही लिया है जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, और 1/4 चम्मच लिया है मैंने अजवाइन, क्रश कर लिया है। अब हम सारी सामग्री को पहले अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से मिला लेंगे हम। और अब हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। और 2 चम्मच तेल डाल दिया है, और हम तेल को अच्छे से मिलाएंगे आटे में। आटे को हमने अच्छे से तेल के साथ मोयन कर लिया है, और सारी सामग्री को हमें अच्छे से मिला लेना है। इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए, इतना हमें मोयन करना है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त सा डो तैयार करेंगे। डो तैयार कर लिया है हमने, हमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है और बहुत ज्यादा मलना नहीं है। हम सख्त डो ही रखेंगे और पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बाद में जब हम रखेंगे तो नमक अपना पानी छोड़ेगा, तो ये और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और अब हम फ्रिज में रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। डो हमारा जब तक रेस्ट ले रहा है, हम उसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो ये लिया है मैंने छोटे छोटे से 2 आलू, इसे मैंने उबाल कर ग्रेट कर लिया है। इसमें हम अब कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। ये लिया है 1 प्याज जिसे बारीक बारीक काट लिया है, और ये 2 लाल मिर्च जिसे कूट लिया है मैंने मोटा मोटा सा। आप चाहें तो लाल मिर्च के जगह हरी मिर्च का यूज भी कर सकते हैं। अब डाल देते हैं कुछ मसाले भी ऐड करेंगे हम। 1/4 चम्मच लिया है चाट मसाला आमचूर पाउडर, और 1/4 चम्मच लिया है गरम मसाला, 1/4 चम्मच ही है लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार। यहीं पे लिया है 2 बड़े चम्मच धनिया जिसे बारीक बारीक काट लिया है, और बाइंडिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ब्रेड क्रम्ब। 2 ब्रेड को मैंने किनारा काट कर और इसे मिक्सी में घुमा लिया है। आप चाहें तो इसके जगह पर चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अच्छे से पहले मिला लेंगे। तो मिला लिया है हमने स्टफिंग को, और हाथों में थोड़ा सा इस तरह से तेल लगा लेंगे। लगा लिया है मैंने, और थोड़ा थोड़ा इस तरह से लेके हम इस तरह से गोल गोल बना लेंगे। इसी तरह से बनाकर रख लेते हैं। तो 15 मिनट हो गया है दोस्तों, और डो हमारा रेस्ट ले चुका है। तो इस तरह से हम एक बार मसल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मसलेंगे, और इस तरह से दबा दबा के इसे फैला लेते हैं इस तरह से। और बेलन से बेल देंगे, थोड़ा सा फैलेगा। दोस्तों बेल लिया है मैंने। अगर आपका डो चिपकने लगे तो आप थोड़ा सा आटा डस्ट कर लीजिए, तो चिपकेगा नहीं और बेलने में आसानी होगी। तो मैं इस तरह से किनारों को चाकू से काट कर निकाल ले रही हूँ। और इसे भी हम बाद में यूज कर लेंगे। कट कर लिया है मैंने इस तरह से चौकोर, और इस तरह से अब निकाल लेंगे। और इसमें जो हमने आलू का छोटा छोटा सा इस तरह से बना रखा है, इस तरह से लगा देंगे।
और इस तरह से दबा देंगे। और इसे हम डिप करेंगे तिल में। ये कच्चे तिल हैं, इस तरह से आप लगा दें। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। इस तरह से लगा देंगे हम। तो इसी तरह से मैं सारा बना लेती हूँ। दोस्तों, सारा नाश्ता बना लिया है हमने और तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। चेक कर लेते हैं, तेल अभी गर्म नहीं है। तेल हमारा गर्म हो गया है। तेल को हाई हीट करके मीडियम टू लो कर देंगे हम। तो लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें डीप फ्राई करना है। इस तरह से डाल देंगे। एक बार में जितना आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। दोस्तों, बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और इसी तरह से हम सारा फ्राई करके निकाल लेते हैं। दोस्तों, सारा निकाल लिया है प्लेट से और बहुत टेस्टी बना है। तो एक बार हम प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों, प्लेट हमारी नाश्ते की तैयार हो गई है। आप चाहें तो छोटे बच्चे की जो पार्टी, बर्थडे पार्टी होती है, आप उसमें बना के रख सकते हैं। बच्चों के लिए किटी पार्टी में बना के रख सकते हैं। स्टार्टर के रूप में बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।